नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा यादव बींग ऑर्गेनिक से जैविक खेती और बागवानी में आपकी साथी। दोस्तों, हमारे चैनल पर जैविक खेती, बागवानी और वर्मी कंपोस्ट से जुड़ी जानकारी लगातार शेयर की जाती है, अपडेट किया जाता है, लोगों को जैविक खेती के लिए अवेयर किया जाता है। फ्रेंड्स, वैसे तो वर्मी कंपोस्ट अपने आप में एक इतना खूबसूरत, इतना पौष्टिक खाद है कि उसके बाद में आपको खेत में किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। पर कई बार ऐसा होता है दोस्तों, लगातार रासायनिक खाद के उपयोग के कारण हमारी मिट्टी में जो जैविक कार्बन लेवल है या कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी बहुत अधिक मात्रा में कमी हो जाती है। तो उसके लिए आप वर्मी कंपोस्ट को और ज़्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे, जिसे कि आप इनरीच्ड वर्मी कंपोस्ट बोल सकते हैं, सुपर वर्मी कंपोस्ट बोल सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप अलग अलग कल्चर के थ्रू वर्मी कंपोस्ट को और ज़्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अलग अलग तरह के कल्चर होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है वर्मी कंपोस्ट को इनरीच्ड करने में। आज हम यूज़ करने वाले हैं ट्राइकोडर्मा का। ये जो आप देख रहे हैं, ये नीम खली है। ये लगभग 2 किलो से ज़्यादा नीम खली है। ये ट्राइकोडर्मा का पाउडर है। अगर आपको कल्चर फॉर्म में ट्राइकोडर्मा अवेलेबल होता है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि कल्चर फॉर्म में जब आप किसी बैक्टीरिया को लेते हैं तो आप स्वयं ही उसे बढ़ाते जा सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं रहता है कि ख़त्म हो गया तो आपको फिर से लेना होगा। तो यदि आपको किसी कृषि अनुसंधान केंद्र से या किसी कृषि महाविद्यालय से कल्चर अवेलेबल होता है तो आप उसका यूज़ कर लीजिए। तो ये तो हो गया आपका ट्राइकोडर्मा, ये हो गई आपकी नीम खली और ये हो गया आपका गौमूत्र। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि गौमूत्र में कितने गुण होते हैं जो हमें जैविक खेती में मदद करते हैं। तो आज इन सभी के उपयोग से हम बनाने वाले हैं इनरीच्ड वर्मी कंपोस्ट। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं, ये 100% प्योर वर्मी कंपोस्ट है बींग ऑर्गेनिक का, जिसे हम इनरीच्ड करने वाले हैं ट्राइकोडर्मा, नीम खली और गौमूत्र के द्वारा। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि वर्मी कंपोस्ट को जब भी स्टोर करके रखें तो शेडी एरिया में रखें या छायादार स्थान पर रखें, और इसमें मॉइस्चर हमेशा बनाकर रखें, नहीं तो इसकी गुणवत्ता में कमी आ जाएगी। अब ये जो आप देख रहे हैं नीम खली और ट्राइकोडर्मा, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके, और ये जो आप देख रहे हैं वर्मी कंपोस्ट का ढेर, इस पर हम अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे, इसके अच्छे से पूरे एरिया में छींट देंगे। मतलब ऐसा कोई भी जगह नहीं बचे जहाँ पर इस मिश्रण को हम ना छींटें। इसको डालने के बाद हम इसे जो टाट की बोरियाँ होती है उससे ढक देंगे और इसमें मॉइस्चर बनाए रखेंगे। तो आप देखेंगे 7 दिनों के बाद एक जालनुमा परत आपको आपकी खाद के ऊपर दिखाई देगी। तो वो जो जालनुमा परत है, वही आपका जीवाणुओं की जो संख्या आपके खाद में पैदा हुई है वो है। तो जब आपको इस प्रकार की जाल दिखाई देगा 7 दिनों के बाद, तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो इनरीच्ड वर्मी कंपोस्ट है वो बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। दोस्तों, ये जब आप इस तरीके से तैयार करते हैं वर्मी कंपोस्ट, तो आपको कुछ कम, आपको इसकी मात्रा भी अगर आप कम डालते हैं प्रति बीघा में, तो भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और यदि आपकी मिट्टी में ज़रूरत है कि आपको PSB जीवाणु द्वारा उपचारित करने की ज़रूरत है आपकी मिट्टी को, या स्यूडोमोनास द्वारा या ट्राइकोडर्मा द्वारा, तो जैसा कि हमने वीडियो में बताया ट्राइकोडर्मा का यूज़, आप उसी तरीके से दूसरे जीवाणुओं का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। इस तरीके से पूरे कंपोस्ट पर आप इसे उड़ा देंगे और काट काट कर मिक्स कर देंगे, मतलब फावड़े की सहायता से इसे पूरे तरीके से आप मिक्स कर देंगे और टाट की बोरियों से इसे ढक देंगे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। और इससे संबंधित यदि और कोई जानकारी चाहते हैं, या आप भी अपनी प्रीमियम वर्मी कंपोस्ट बींग ऑर्गेनिक से बुक करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्मी कंपोस्ट को इनरीच्ड करके अवेलेबल कराते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।